सहारा इंडिया के दर्जनों एजेंट और जमाकर्ता पहुंचे दुमका सांसद नलिन सोरेन के आवास पर। सहारा इंडिया पोर्टल को बताया फेल, सांसद में आवाज उठाने का सौंपा ज्ञापन। 14 वर्षों से सहारा इंडिया में फंसा जमा पूंजी की भुगतान हेतु भटक रहे करोड़ों जमाकर्ता, करोड़ों लोग जो अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों के उच्च शिक्षा देने जैसी कई तमन्नाएं लेकर अपनी कमाई का गाढ़ा हिस्सा सहारा इंडिया में जमा कर रखा था, इसी उम्मीद में कि भविष्य में उन पैसों से अपनी इच्छाएं पूरी कर सकेंगे। परंतु 14 वर्षों से सहारा इंडिया में लगे ग्रहण से लोगों की उम्मीदें अब जवाब देने लगी हैं। कई जमाकर्ता पैसा वापस मिलने की उम्मीद को छोड़कर दुनिया छोड़ चले गए। मामले में सरकार की उदासीनता और कितनों के सपनों को तोड़ेगी, कितने और इस उम्मीद में अपना दम तोड़ेंगे। समस्या से परेशान सहारा इंडिया के दर्जनों एजेंट और जमाकर्ता दुमका से जेएमएम के लोकसभा सांसद नलिन सोरेन के काठीकुंड स्थित आवास पहुंचे और लोगों ने अपनी समस्या से संबंधित ज्ञापन सौंपा। अपने ज्ञापन में लोगों ने कहा कि कंपनी में लगभग 20 से 25 वर्षों तक कार्य के दौरान लाखों गरीब जनता का पैसा जमा करवाने का कार्य किया था। पहले कंपनी द्वारा सही समय पर भुगतान किया जाता था, परंतु 2008-09 के बाद से भुगतान में टाल मटोल होने लगा, जिसके बाद कोर्ट में केस चलने का हवाला देकर भुगतान नहीं करने लगा। आगे कहा कि कई सांसदों द्वारा सदन में सहारा के भुगतान के संबंध में आवाज उठाने के पश्चात गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किया गया, जो पूरी तरह से विफल रहा। उन्होंने कहा है कि हम सभी एजेंट पूरी तरह से बेरोजगार होने के साथ साथ हमारा जीवन भी नर्क सा हो गया है। घर से बाहर निकलते ही जमाकर्ताओं के सवालों का जवाब देना हमारे लिए काफी मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि जमाकर्ताओं द्वारा हमें जान से मारने तक की धमकी दी जाती है और कई एजेंट तो घर से पलायन भी कर चुके हैं। एजेंट ने अपनी समस्याओं का से सांसद नलिन सोरेन को रूबरू कराते हुए संसद में सहारा इंडिया के लाखों जमाकर्ताओं के हित में आवाज उठाने का निवेदन किया है। परेशान है जमाकर्ता की परेशानी, हमारी परेशानी है। जमाकर्ता हमारे घर आते हैं, बहुत तरह की बातें बोल के चले जाते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। बहुत से कार्यकर्ता तो घर छोड़ के भाग चुके हैं, तो 12 लाख कार्यकर्ता इससे प्रभावित हो रहे हैं। 12 लाख लोगों का रोजगार बिल्कुल बंद हो चुका है और हम लोग माननीय सांसद महोदय से मिले, इन्हें ज्ञापन दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय सांसद महोदय हम लोगों के भुगतान के लिए संसद में इस मामले को उठाएंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि 12 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। 12 करोड़ परिवार माने इससे प्रभावित हो रहा है, लगभग मान के चलिए 12 × 5 तो लगभग 60 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। और हम लोग इसके माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री से भी मांग करते हैं कि इसके भुगतान को सुनिश्चित किया जाए, सुलभ बनाया जाए और शाखा के माध्यम से ही हो और उनकी ही निगरानी में भुगतान हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सिंह, मैं सहारा का कार्यकर्ता हूँ, वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, पालाजोरी शाखा मेरा। आपका क्या नाम है? रंजन कुमार यादव। कहाँ से है? पालाजोरी शाखा से। राजेश कुमार वर्मा। आज हम लोगों ने एक मुहिम छिड़ा कि केंद्र एबल की बात है, हम लोगों ने माननीय अपने सांसद हम नलिन सोरेन जी से बात की, उनसे बोले कि सर हम लोगों का ये समस्या बहुत दिनों से ही लंबित है। एक पोर्टल भी जारी किया है केंद्र सरकार, जिसके कॉपरेटिव विभाग के माननीय अमित शाह जी निकाले हैं, उनके द्वारा जो पेमेंट हो रहा है वो काफ़ी परेशानी होती है। नाम स्पेलिंग में गलती के चलते सरकार पेमेंट नहीं दे पा रही है, तो हम लोग सभी जमाकर्ता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि ये जो पेमेंट हो हम लोगों का क्वांटर पेमेंट हो, सरकार की देख रेख में हो, उसके गाइडलाइन में हो, लेकिन ये पोर्टल के द्वारा असंभव है पेमेंट। ये केंद्र सरकार की मंशा हद से हद जा रही है, तो सोचा जाए तो पेमेंट देने की बात नहीं होती, क्योंकि इसकी चल अचल संपत्ति 2 लाख करोड़ है, वो तो उसके चल अचल संपत्ति को बेच करके भी पेमेंट कर सकता है, लेकिन सरकार की लग रहा मंशा नहीं है। ये पोर्टल माध्यम से काफ़ी दिक्कत हो रही है, वो देने का मंशा हमको लग रहा नहीं, इसलिए हम लोग माननीय सांसद साहब से आज मिले और रूबरू हुए और अपनी बातों को रखे कि सर जिस तरह हो इसको पार्लियामेंट में उठाया जाए और हम सभी जनताओं जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं के हित में बात करें। और हम लोग सब अभी बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता भी मर गए हैं इसके चलते।
सहारा इंडिया से आज अपने सांसद महोदय से, दुमका क्षेत्र के सांसद महोदय से मिलने आए थे। आज भुगतान का समस्या सहारा की बहुत बड़ा समस्या बन चुका है। आज 2011 से मामला न्यायालय में लंबित है, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा। आज देश की आधी आबादी इस कारण से, न्यायिक व्यवस्था के कारण से त्रस्त है। हम चाहते हैं आम जनता के हित को रखते हुए सरकार हो सब इस पर ध्यान दें और आम जनता के जितना हित में काम कर सके करें। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए BKD न्यूज झारखंड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें।